हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं हूँ हैदराबाद में और आज अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं चार मीनार। तो गाइज, हैदराबाद आए और चार मीनार ना देखे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मैं आ चुका हूँ चार मीनार वाले चौक पे। ये एरिया काफ़ी क्राउडेड है, यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा रहती है, आप लोगों को मिलेंगी। एंड एड्रेस जो रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, किस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आइडिया भी दे सकता हूँ। तो चलिए फटाफट से अपन एक्सप्लोर करते। इस वीडियो में आप लोगों को चार मीनार के साथ साथ चार मीनार के आसपास का मार्केट भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट पर्ल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा मार्केट लगता है। जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे साइड में क्राउड देख के आपको अंदाज़ा आने वाला है कि कितना सारा, मतलब कितनी सारी पब्लिक यहाँ पर आती है। दूर दूर से लोग चार मीनार को एक्सप्लोर करने देखने के लिए आते हैं, क्योंकि चार मीनार जो है वो चारों साइड से सेम ही दिखने वाला है। गाइज, आप लोग बोलोगे कि भैया आप एक ही जगह क्यों घूम रहे हो, तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक ही जगह नहीं घूमने वाला, आपको चारों साइड लेके जाने वाला हूँ। साथ ही साथ मार्केट में क्या क्या मिलने वाला है वो भी दिखाने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे मेरे पीछे साइड में मार्केट है, पुराने के बाद नीचे साइड में मुझे कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है। यहाँ पे काफ़ी सारे कॉइन जमा करके रखे हैं, अगर आप कॉइन स्टोर करते हो तो आप यहाँ से बाय करके लेके जा सकते हो, काफ़ी कम प्राइस में आप लोगों को यहाँ पे सारे सिक्के अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे स्टोन वाले सिक्के, एंड ये तो मुझे नाम भी नहीं पता, ऐसे ऐसे सिक्के यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। जिन लोगों को कलेक्शन करना है वो लोग यहाँ पे विज़िट करने के बाद यहाँ से बाय कर सकते हो। चार मीनार हैदराबाद में फेमस इसलिए है, उसकी एक हिस्ट्री है। इंडो मुस्लिम वास्तु शैली में बनी इस ऐतिहासिक स्मारक की वजह से हैदराबाद को पहचान मिली है। इस शाही संरचना को कुतुब शाह के शासनकाल के समय मदरसे और मस्जिद के रूप में बनाया गया था। चार मीनार की छत से पूरे हैदराबाद शहर का सुंदर एवं मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। बट मैं हो चुका हूँ लेट, उसके कारण मैं चार मीनार के ऊपर नहीं जा पाऊँगा। इसका टाइमिंग 5 बजे तक रहता है, 5 बजे के बाद एंट्री नहीं रहती ऊपर जाने के लिए, एंड 25 रुपये एंट्री फीस रहती पर पर्सन। तो आप लोग जब भी हैदराबाद आओगे तो ये ध्यान में रखो कि 5 बजे के पहले यहाँ पर विज़िट करें, ताकि आप लोग ऊपर जाके अच्छा सा व्यू देख सको। तो चलिए फटाफट से आगे चलते हैं, एंड इसके आजू बाजू में क्या क्या मिलता है, कैसी कैसी शॉप्स है वो भी देखते रहिए। मेरे पीछे साइड में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मार्केट का एरिया देखने को मिलने वाला है। चार मीनार को लग के बड़ा सा मार्केट है, एंड इसके एरिया में मक्का मस्जिद भी आती है। तो अभी फ़िलहाल अपन वहाँ पर नहीं जाने वाले हैं, अपन चार मीनार का एरिया एक्सप्लोर करते। क्या आप लोगों को ये बात पता है, चार मीनार को 149 सीढ़ियाँ है और बालकनी भी आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेंगी। मेरे चैनल का नाम पराग 46 है, हाँ आप वहाँ देख सकते हो, सारे वीडियोस आ जाते हैं। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे के दिन आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलने वाली है। तो जैसे देख रहे हो यहाँ पर आप लोगों को बैग, पर्ल्स, नेकलेस, काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ एंड ऑल सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे खाने पीने का भी काफ़ी बढ़िया इंतज़ाम है, काफ़ी सारे लोकल शॉप्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सब तो बातें होगी चार मीनार की। आप एक बार मेरे पीछे साइड में देखो, इंडिया का तिरंगा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है चार मीनार के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है रात के समय। दिन के समय आप लोगों को ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलने वाली। मैंने कम से कम आधा या 45 मिनट्स वेट करके यहाँ पर ये व्यू के लिए इंतज़ार किया हूँ, एंड आप लोगों के लिए ये खास व्यू पकड़ के लाया हूँ, वो भी मेरे कैमरा में। तो आप जैसे कि देख सकते हो मेरे साइड में, मेरे पीछे साइड में पूरा व्यू आ रहा है, आप लोगों को एक एक चीज़ें दिख रही है डिटेल में। इतना डिटेल में किसी ने वीडियो नहीं बनाया है, और आप लोगों के लिए खास मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया मार्केट है यहाँ पर, सब कुछ कपड़े से ले कर, शूज़ से ले कर, एसेसरीज से ले कर, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। बैंगल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, बैकपैक्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग तेलुगु में यहाँ पे बात करते हैं, कोई हिंदी में बात करता है, कोई इंग्लिश में बात करता है।
तो आप सभी लोग एक बात ध्यान में रखना, आप जब कभी भी चार मीनार देखने आओगे तो दो चीज़ें भी साथ में देख लेना, एक है सालारजंग म्यूज़ियम एंड सेकंड है मक्का मस्जिद। ये जो है ये तीनों एक ही एरिया में आते हैं, तो एक बात ध्यान में रखो कि आओ तो पूरा देख के जाओ, एक ही मत देखो, ओके। साथ ही साथ अभी अपन बढ़ते हैं थोड़ा मार्केट की तरफ। मार्केट एक्सप्लोर करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो मार्केट के लिए डिमांड करते ही रहते हैं। आप लोग मेरे पीछे साइड में जैसे कि देख रहे हो, वहाँ पे पर्ल नेकलेस अवेलेबल होने वाला है, बैंगल्स अवेलेबल होने वाले, बैकपैक अवेलेबल होने वाले, फैंसी फैंसी बैग्स अवेलेबल होने वाले। काफ़ी बड़ा मार्केट है गाइज, आप लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मेंस वेयर भी मिल जाएगा, क्लोथिंग सारी अवेलेबल हो जाती है, मेंस वुमन किड्स सब कुछ मिल जाता है। ये सारे लोकल शॉप्स रहने वाले हैं। एंड मेरे पीछे साइड में जैसे देख रहे हो, वहाँ पे ब्रांडेड रूबी वगैरह अपने को अवेलेबल होने वाले हैं, मोती जो बोलते उसको। और साथ ही साथ जैसे देख सकते हो, थोड़ा फार मार्केट एक्सप्लोर कराएंगे, ये सारे शूज़ की शॉप्स है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे किड्स के खिलौने भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है गाइज, आप जैसे देख सकते हो। और बीच बीच में मुझे इसलिए स्टॉप होना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियो के लिए मेरे को उंगलियां दिखा रहे कि ये आप बंद करो करके, इसके वजह से मुझे काफ़ी जगह पे प्रॉब्लम हुई है। लेकिन कोई बात नहीं गाइज, मेरा काम ही वही है आप लोगों के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाना। आप जैसे देख सकते हो, कुछ इस तरीके का मार्केट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, काफ़ी बड़ा मार्केट है। अपन धीरे धीरे आगे चलते एंड एक्सप्लोर करते हुए निकलते। ये सारी वॉचेस आप लोगों को मिल जाएंगी 150 रुपये के रेंज से, उसके साथ आपको बैंगल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो चार मीनार को देखते हुए मार्केट को एक्सप्लोर करना। साथ ही साथ आप कुछ यहाँ पे बाजू में बैठ के बिरयानी खा सकते हो, सब कुछ वैरायटी के फूड यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ की एक स्पेशल फूड आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ पे समोसा मिलता है गाइज। समोसा जो रहने वाला है, एकदम छोटे छोटे समोसे रहते हैं, उसमें प्याज की स्टफिंग या फिर पनीर की स्टफिंग 20 रुपये के हिसाब से अपने वो यहाँ पे मिल जाते, तो आप यहाँ आने के बाद वो भी ट्राई कर सकते हो। और अपन अभी अभी देखते हैं यहाँ पे, जैसे देख सकते हो मेरे साइड में यहाँ पे ईयर रिंग्स वगैरह, लेडीज़ के काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लोग मेरे तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ में कैमरा है, 10 बार आके मुझे रोक रहे, क्या कर रहे हो भाई आप, क्या बना रहे हो, ऐसा सब कुछ। तो वो सारे सीन मैं कट करते हुए जा रहा हूँ, इसीलिए बीच बीच में आप लोगों को थोड़े से शॉर्ट कट मिल रहे हैं। तो आप सभी लोग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, चार मीनार देखने में मज़ा आया कि नहीं, साथ ही साथ मार्केट कैसा लगा। मेरे पीछे साइड में चार मीनार काफ़ी खूबसूरत तरीके से चमचमा रहा है, तो ये भी आप लोग देखने आ सकते हो हैदराबाद। जब भी आओ विज़िट करो,
उसके साथ ही साथ अभी अपन निकलते हैं, मुझे लेना है ऑटो, ऑटो से जाना है मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से जाना है फिर नेक्स्ट स्टॉप। तो गाइज़ आप जब भी यहाँ पे आने के बारे में सोच रहे हो तो ऑटो सबसे महंगा पड़ने वाला है, ओला ओला या फिर उबर जो कुछ भी बुलाऊंगे काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाली है। तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ पैसे बचाने की। आपके आपका जहाँ भी स्टे है वहाँ से आप मेट्रो स्टेशन से आओ एसबी बस स्टैंड के पास, एसबी या एसजी बस स्टैंड के पास, यहाँ पे नियरेस्ट बस स्टैंड है वहीं पे मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो से वहाँ तक आओ, वहाँ से 40 रुपीज़ ऑटो को देके आप यहाँ पे आ सकते हो। एंड मेरे साइड में जो मार्केट दिख रहा है ये होलसेल मार्केट है, मदीना मार्केट हैदराबाद का, काफ़ी बड़ा मार्केट है। यहाँ से लोग थैले भर भर के साड़ियाँ क्लोथ्स लेके जाते हैं, एंड स्पेशली यहाँ पे आप लोग साड़ी होलसेल में बाय कर सकते हो, काफ़ी कम रेंज में यहाँ से साड़ियाँ लोग उठाते। तो ये मार्केट का वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं हो चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा लेट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और एक लाइक बटन बिल्कुल दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।